I'm Dr. Neeru Pathak, Principal, DPS Ajmer Tabiji, and I wish a very, very happy Deepavali to all the Ajmer. Shri Kubera Collection ki taraf se sabhi Ajmer Shahar vaasiyon ko Diwali ki hardik shubhkamnaen. मैं अनुज अग्रवाल अजमेर तनिष्क शोरूम से अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष्क की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। एमडी मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता, उदासीनता और विलंबता के कारण राजस्थान के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इसी के तहत अजमेर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सहायक कर्मचारी, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। मैं राजस्थान सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि स्थानीय प्रशासन तो यहाँ का पूरा दोषी है। जिनकी जिम्मेदारी थी अधीक्षक महोदय की कि ये जब आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी, तो इनसे आखिर वार्ता करनी चाहिए थी कि आपको क्या तकलीफ है, आप लोग रोड पे कैसे आए हो। लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि स्थानीय प्रशासक जो अधीक्षक हैं यहाँ के, उन्होंने छुट्टी लेकर यहाँ से भाग गए। बचना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारी से। और इस निकम्मी सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी उदासीनता के चलते, आपके चिकित्सा मंत्री की लापरवाही के चलते, उनकी दादागिरी के चलते यहाँ के जो विशेषज्ञ थे डॉक्टर, उनको ले जाके केकड़ी में इकट्ठे कर दिए गए हैं। इस संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल की जो बेरुखी हुई है, जो सत्यानाश हुआ है, वो इन चिकित्सा मंत्री के कार्यकाल में हुआ, रघु शर्मा के कार्यकाल में हुआ। इन्होंने जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं उन्हें यहाँ से रवाना करके केकड़ी में ले गए, जबकि केकड़ी तो अभी जिला भी नहीं बना है। ये संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। सरकार समय रहते इस ओर ध्यान दे, इस हॉस्पिटल को बचाए। सहायक कर्मचारी बाढ़ बॉय, जिनकी संख्या 90 के दशक में 600 के करीब थी, आज मात्र 100 में सिमट के रह गई है। तो हम सरकार से आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते इस हॉस्पिटल को बचाया जाए, अजमेर की जनता को न्याय दिया जाए और कर्मचारियों की भर्ती की जाए। लगभग 25 वर्षों से इनकी डीपीसी नहीं हुई है। सरकार को यहाँ के स्थानीय प्रशासन को डूब मनना चाहिए कि कर्मचारियों के समय रहते डीपीसी नहीं की करी गई, इनको वर्दियों तक नहीं दी जाती और वर्दियों के मात्र 1500 रुपये दिए जाते हैं, जो 5000 रुपये होने चाहिए कम से कम साल के। ठीक है, आपका नाम बताएं। गुलाब सिंह पाठी। हमारे यहाँ लिफ्टें चलती नहीं, मंत्री संतरी आते जब तो लिफ्टें चलती है, और हम कैसे पेशेंट को ले जाते हैं, हमारी आत्मा से पूछो। यहाँ उम्र भी हमारी कितनी हो गई है, देखो आप पेशेंट किस तरह घिसता है, चौथी मंजिल, तीसरी मंजिल, हमारे से पूछो आप कैसे लेके जा रहे हम, कोई ध्यान नहीं देता। मंत्री आएगा, लिफ्ट चालू हो जाएगी, उस पर एक आदमी और खड़ा कर देंगे, वैसे एक आदमी नहीं देंगे किसी को भी। कि यहाँ क्लास फोरों की क्या हाल हो रहा है, लेडियों को देखो कैसे हो रही है, इतनी परेशान है। जाके बोलते तो बोले ले जाओ तुम्हारी नौकरी है, ये कोई ऐसा बोलने का वो नहीं होता। और 10-10 वार्ड करते हैं हम, रात में भी दिन में भी, हम बहुत परेशान है। कितने दिन से हड़ताल पे हैं, बहिष्कार से आज 6 दिन हो गए, हम परेशान हो गए जब हड़ताल पे उतरे, और हमें परेशान होते हैं आज 9-10 साल हो गए। रात को 10-10 वार्ड देते, पानी ले जाते थक जाते हम लोग। पानी ले जाने की हमारी थोड़ी जिम्मेदारी, हमारी मरीजों का काम करने की है। ओटी में से पेशेंट आता है तो उसको बोलते ले जाओ घींच के, बेचारा पेशेंट की क्या कंडीशन होती होगी ये सोचा आप। लिफ्ट चलाते नहीं बोलते तो नहीं है, लिफ्ट चलनी नहीं रही, फिर सरकार क्या देखती लिफ्ट नहीं चला रही तो। और मंत्री आते लिफ्ट चालू हो जाती है, तीनों लिफ्ट चालू हो जाती मंत्री आते ही। पहले रात में भी चलती थी लिफ्ट। मेरा नाम शीला मौर्या। आज हमारे को 6 दिन हो गए है। आज हमारे सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि जेएलएन को अधीक्षक महोदय है,
हॉस्पिटल का ये भी ध्यान नहीं रखते हैं कि कर्मचारी कौन बाहर है कौन अंदर है। उनको ये पता होना चाहिए कि अपने कर्मचारी दो घंटे का बहिष्कार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हम कलेक्टर साहब से भी निवेदन करके आए हैं कि भाई हमारे दो घंटे का हम बहिष्कार चल रहा है और आप कहो तो हम ख़त्म कर दें, हमारे कर्मचारी बढ़ा जाए। तो उन्होंने यही बोला कि हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे, पर प्रशासन का निवेदन करना चाहें कि दो छः दिन से कभी भी ये तो पूछना चाहिए कि दो घंटे का बहिष्कार क्यों चल रहा है हमारे। और हमारे सहायक कर्मचारी 125 रह गए हैं, सहायक कर्मचारी व सफाई कर्मचारी, और 10 साल से कम डीपीसी नहीं हो रही है और लिफ्टें तीन है, तीनों खराब पड़ी है और चालू भी है, पर कर्मचारी नहीं तो कैसे चलेगा। और इधर स्टोर में रोड खराब हो रखी है तो उसको सामान ले जाने करने में कम से कम एक कर्मचारी 150-150 डब्बे तीन मंजिल पर ले जाता है, वो कैसे काम चलेगा। जो भी वार्ड है वो सब तीन मंजिल के ऊपर है, तो यह सुविधा ज़्यादा हो रही है और प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि भाई प्रशासन को कि भाई अपने कर्मचारी बाहर हैं तो क्या करना चाहिए, क्यों गए बाहर, ये तो थोड़ा मालूम होना चाहिए। क्या छुट्टी पे है तो उनको पता नहीं है कि प्रशासन के हॉस्पिटल का काम कैसे चलाते हैं अपन। आज 6 दिन हो गए हैं हड़ताल, 6 दिन उसके बावजूद भी आपकी मांगे मानी नहीं जा रही है, तो आगे 6 दिन हो गए हमारी मांगे नहीं मान रही है, हम आगे हैं और जो है उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है, आपका नाम बता दें। भागचंद जोगी, सहायक कर्मचारी अध्यक्ष।